अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर्टिक स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मजे मजे की एक्टिविटीज भी कर रहे होंगे। हमारे चैनल को भी आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो जो वीडियोस आ रही हैं। तो आज फिर हम एक बहुत मजे का प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। ठीक है जी, लास्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें बताया था कि किस तरह से सेटेलाइट के थ्रू सिग्नल जमीन पे आते हैं, किस तरह से सिग्नल को कैच किया जाता है और किस तरह से हमारे घरों में डिफरेंट टीवी चैनल्स और इंटरनेट के कनेक्शंस और बाकी सारी चीज़ें जो कि सिग्नल्स के थ्रू आती हैं वो किस तरह से एक्टिव होती हैं। ठीक है जी, तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह से कि किस तरह से मीडिया हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है। जैसे कि हम कंप्यूटर पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम टीवी चैनल्स देखते हैं, हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हम स्वैप मशीन का इस्तेमाल करते हैं परचेजिंग करते हुए, और उसके साथ साथ शॉपिंग करते हुए जो हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स लेते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट किस तरह से चैनल पे आती है, तो कुछ इस तरह की बातें करेंगे। और मीडिया का इम्पैक्ट दो तरह का होता है, गुड इम्पैक्ट होता है और बैड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो भी हम कुछ चीज़ें मेंशन करने वाले हैं कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनका पॉजिटिव असर हुआ है हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है जी, तो हमने ऑलरेडी इसकी एक बेस तैयार कर ली है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा फोकस कर दूं, हाँ जी, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मैंने कुछ हार्डबोर्ड लेके कार्टन निकले के उसको कट किया डायगनली और उसके कुछ पोर्शंस के ऊपर मैंने पेपर इस तरह से लगा दिए। अब आपको डिफरेंट पेपर नजर आ रहे होंगे, दिखने में अजीब सा लगता है कि कुछ पोर्शन बचा हुआ है, कुछ पेपर हुआ हुआ है। तो वो जब हम बनाते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें मैंने स्पेस ये इसलिए छोड़ी है और कलर मैंने डिफरेंट क्यों रखे हैं, क्योंकि हम इसके डिफरेंट पोर्शंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हर पोर्शन का एक अलग से कलर इफेक्ट है, तो उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग से भी मैं चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगा, तो वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सीखेंगे। अभी हम चीज़ों को असेंबल कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं, मैं उसको आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से है, लेकिन मैं उन सबको आपको साथ साथ इलेबोरेट करता जाऊँगा। ठीक है जी, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें शावेज कुछ कहना चाह रहे थे। शावेज, क्या कहना चाह रहे थे आप? चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारी सारी वीडियोस को लाइक भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है जी, तो आप हमें फॉलो करते रहेंगे तो इस तरह की मजे मजे की चीजें हम बनाते रहेंगे। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको एलिबरेट कर दूं आज का प्रोजेक्ट कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है उस कार्टन के अलावा, तो पहले हम इस बॉक्स को इधर पेस्ट करेंगे। इसकी भी मैंने साइड्स पे फ्रंट पे तीन डिफरेंट कलर की, इधर येलो कलर की, इधर ब्लू कलर की, इस साइड पे ऊपर जो उसकी रूफ जो उसकी होगी तो इसके ऊपर हमने रेड कलर का पेपर लगाया, तो इससे हम कुछ इस तरह से इसके साथ यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आपको आइडिया होगा कितना अट्रैक्टिव सा कलर नज़र आ रहा है हमें। तो मैं इसके ऊपर ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा के इसे सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारी जगह जल्दी जल्दी क्लियर होती जाए। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि ग्लू गन बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो आपने बहुत ही एहतियात से इसका इस्तेमाल करना है अगर आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि ये ऐसे आपके हाथ भी जल सकते हैं और छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें बड़ों की सुपरवीजन के बगैर। इसलिए शावेज भी इसे हाथ नहीं लगाता है क्योंकि इसे पता है कि इसका हाथ जल सकता है। ये हमारा जो बोर्ड है ये बड़ा अच्छे से स्टिक हो गया। ग्लू गन का इस्तेमाल हम इस वजह से करते हैं कि बाकी सब ग्लू से एक तो ये इफेक्टिव ज्यादा है और बड़े क्विकली ये ठंडी होते ही ये चीजों को स्टिक कर देती है। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने क्या बनाया है, हमने एक स्क्रीन बनाई हुई है जो कि एक टीवी को शो करी, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है न्यूज चैनल। ठीक है जी, उसके साथ साथ ये भी इसे अभी रहने दें, इसके साथ हमने बनाया है एक ये सोफा सीट जो कि इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, ये एक चेस्ट बनाई है। ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस लेके आप उसको कलर पेजेस से
कवर कर सकते हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत सी चीजें खुद से ही आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये अगेन एक छोटे बॉक्स के ऊपर मैंने कवर करके इसकी एक्सटेंशन में किया हुआ है। आप इसे साथ भी अटैच करके लगा सकते हैं, इसे सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। अभी कंप्यूटर उठाएगी, बाद में जब ये पोर्शन हमारा हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे ग्लू गन की मदद से पहले हम टेबल को स्टिक कर लेते हैं, चेस्ट को स्टिक कर लेते हैं। जी बाबा, नहीं ये वाला लास्ट में होगा। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगा के हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। क्या हुआ? हाँ नो प्रॉब्लम, मैंने खुद उल्टा लगाया। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव के लिए ना। मैं दूसरे वाला देख रहा था, फिर मुझे लगा। अच्छा, आपने ऐसे दो बनाए? दो बनाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज शाबीर हमें दूर दूर से सॉन्ग सुना रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे हैं। आज हैं शाबीर। तो ये देखें जी, ये हमारा इधर आ जाए, ठीक है, इधर से भाई के साथ आएंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा एक ऊपर से ड्राइंग रूम का या लिविंग रूम का एक इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, हमने इसे दो पोर्शन में इस्तेमाल करना है। ऊपर का पोर्शन जो हमारा जो रूफ का पोर्शन है, उसे हम लिविंग रूम का लिविंग रूम की शक्ल दे रहे हैं, और इस तरफ हम शॉप का एक इफेक्ट दे रहे हैं, ताकि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है जी, आपको यहाँ पे ये येलो कलर का एक पेज नज़र आ रहा होगा, तो ये देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम फाइनलाइज करेंगे तो आपको देखेंगे कि बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ बन जाती है। तो वीरू भी हमारे पास आ गए हैं। ठीक है जी, अब हमने एक हाफ सर्कल लिया। ठीक है जी, उसे सेंटर से हमने दो पोर्शन में कट किया और इस तरह से हमने फोल्ड किया। अब हम इसे ग्लू की मदद से इसके टॉप के ऊपर लगा देंगे। तो ये हमें इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक लैंप वाली लाइट का इफेक्ट दे रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये टीवी स्क्रीन की एक लुक दी है। अच्छा, इसकी फ्रेम भी मैंने सेम उसी प्रोसीजर में बनाई है जिस तरह से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पिछले कुछ लेक्चर्स पहले, अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको ये फ्रेम बनाना भी सिखाया हुआ है। तो उसी टेक्निक को मैंने यूज करते हुए यहाँ पे टीवी की स्क्रीन बनाई है। जी बाबा, अच्छा ठीक है, साथ साथ सुनाते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनाना है? हमारे पास एक लिविंग रूम का लुक आ गई। अच्छा जी, शाबीर नहीं करें, बाबा नहीं करें। अच्छा जी, इसे देखें तो मैंने एक हार्ड पेपर चार्ट है, चार्ट भी नहीं बल्कि एक हार्ड पोर्शन है, हार्ड पेपर है। ठीक है जी, बाबा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें। ठीक है, उसे मैंने फोल्ड करके एक टेबल की लुक दी है। मना तो सबको याद हो गया ना यार, कोई और गा दो। Look,
खबर के हुए आजा वे चलते आजा। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा जी ये सेम टेक्निक यूज करते हुए हम लोगों ने मॉनिटर स्क्रीन बनाई है, ठीक है। जिस तरह से हमने टीवी की स्क्रीन बनाई थी सेम उसी तरह से हमने मॉनिटर स्क्रीन बनाई है। इसे भी हम उसकी वॉल के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी अब हमने एक माउस बनाया हुआ है। ये स्प्रिंग मैंने जिस तरह से आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था उसी टेक्निक को यूज करते हुए मैंने स्प्रिंग बनाया। और ये कीबोर्ड है, ठीक है। अगेन ये टेक्निक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। कीबोर्ड की फोल्डिंग की टेक्निक वही है जिस तरह से मैंने हाउस फोल्ड किए थे, उसको मैंने छोटे साइज में कर दिया है। और स्प्रिंग ये बनाना तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं बाबा, तो ये पेस्ट कर देंगे जी बाबा। अच्छा जी हमने इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन को भी कम्प्लीटली पेस्ट कर लिया है। तो अब हम आते हैं इस शॉप की तरफ। तो शॉप के लिए एक ये टॉय है, आईफोन टॉय जिस तरह से होता है, चूँकि थोड़े से बड़े साइज में था तो मैंने इसे ऑर्डर बूथ के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये वर्किंग ऑर्डर में भी जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो इसके ऊपर म्यूजिक भी चलता है, ठीक है जी। अच्छा जी तो इसे हम इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ पे, जो कि हम एक डिजिटल काउंटर का लुक देने वाले हैं। शावीर हट जाए बाबा। अच्छा उससे पहले ये एक जिस तरह से हमारा शेड होता है कुछ शॉप्स का, तो हमने उसके लिए इसका इस्तेमाल किया, ठीक है आप पकड़ाते थे। अच्छा जी और ये कुछ मैंने कर दिया, शावीर इसे बंद कर दें, ठीक है जी। शावीर अच्छा जी इसे पेपर को मैंने कटिंग करके सेंटर से, और मैंने सेंटर से कट करने के बाद पेजेस को दोनों तरफ रोल कर दिया, तो एक रैक का लुक दे रहे हैं हमें, ठीक है जी। तो पहले हम ये पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बाकी चीजें पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा जी हमने इस तरह से कुछ इसे पेस्टिंग कर ली है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक स्टोर बनने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मैंने ये एक पेज के इक्वल साइज में हार्ड चार्ट के फोल्डिंग करके उसे एक ब्लॉक सा बना लिया, ठीक है। अब हम पहले इस पोर्शन में इस ब्लॉक को पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। सर्विस ग्लू स्टिक थी इधर एक और, देखें उसे शॉपर में देखें। और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बनाई हुई है एटीएम मशीन, ठीक है जी। अगेन उसी तरह से चाहे आप कोई बॉक्स लेके उसे कवर कर लें, मैंने चूंकि हार्ड चार्ट से इसकी खुद से ही फोल्डिंग कर ली इक्वल साइज में, फोर साइड्स इक्वल लेके और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन रख के उसे आपस में हम जिस तरह से डब्बी बंद करते हैं उस तरह से हमने इसकी एक बॉक्स बना ली है। उसके ऊपर मैंने पेपर से कटिंग करके ऊपर एटीएम लिखा है और साथ ये डिजिट्स बना दिए हैं जिससे हम एटीएम को पंच करते हैं। जी बाबा अभी हम बताते हैं बाबा, अब हम ये इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरह से, और इसकी बैक साइड पे भी हम ग्लू लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर होल्ड हो जाए। अच्छा जी तो हमारा जो कि अगर आपको याद हो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सेटेलाइट पे काम किया था, तो मैंने एंड में
एक बॉक्स बनाया था जिसमें कहा था थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि जिसके अंदर हमने टॉम का करेक्टर बनाया था। तो हम इस प्रोजेक्ट में भी टॉम के करेक्टर को लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा जो डीजी मार्ट है ये टॉम्स के नाम से है, टॉम्स डीजी मार्ट, ठीक है। तो उसका हमने एक काउंटर बनाया है जिसको हम इधर इस तरह से फिक्स करेंगे, और उसके साथ हमने एक छोटी सी स्वैप मशीन बनाई है, वो भी हम इसके ऊपर इधर इस तरह से रख देंगे ताकि पता चल सके कि किस तरह से हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि मैंने एक टॉम का करेक्टर बनाया, ठीक है जी। ये टॉम का करेक्टर हमें गाइड करेगा कि किस मशीन का क्या काम है, जस्ट लाइक के स्वैप मशीन की तरफ इंडिकेट करते हुए हमें बताएगा कि स्वैप योर कार्ड, ठीक है जी। और दूसरी मशीन की तरफ एटीएम से कहेगा कि विदड्रॉ योर मनी। तो इसे हम इस जगह पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों तरफ इसके एंड्स आ रहे होंगे जो कि हमें पॉइंट कर रहे होंगे किसने क्या काम करना है, ठीक है जी। तो हम इन्हें पेस्ट करते हैं। देखें जी, आप देख सकते हैं किस तरह से अभी हमारी शॉप की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है। हमने यहाँ पे एटीएम मशीन बनाई हुई है, कार्ड स्वैप मशीन बनाई हुई है, और हमें टॉम गाइड कर रहा है कि इधर से अपने कैश विड्रॉ करना है और इस तरफ से अपने कार्ड को स्वैप कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक डिजिटल काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर हम अपना ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो तीन पोर्शन बने हैं, एक स्टडी का पोर्शन बना है, एक हमारा लिविंग रूम का पोर्शन बना है, और उसके साथ हमने थोड़ा सा मार्केट का लुक भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास बने हुए हैं कुछ, अच्छा जी, एक और हमने टॉम का थिएटर बनाया हुआ है जो कि हम लास्ट में ऐड करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमने कुछ बनाए हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोगोस, जैसे फेसबुक का, ठीक है जी। ये मैसेंजर का लोगो बना हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह से लिंक्डइन का है, ट्विटर का है, जीमेल का है, ब्लॉगिंग का है, और जितने भी हमारे रूटीन में व्हाट्सएप का है। तो अभी हम इन्हें इसकी वॉल के ऊपर पेस्ट करने वाले हैं ताकि पता चले कि हम आज की डिजिटल दुनिया में हम किस तरह से सोशलाइज होते हैं, ठीक है जी, और हमें इंटरनेट से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। जिस तरह से अगर आप देखें, जब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन बनाई तो उसके ऊपर भी मैंने गूगल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसका एक उसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, नेट सर्फिंग में सर्च करना। कोई भी चीज़ हमें नहीं पता है, हम उसे गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो हमें, फ़ौरन से पहले क्या ख्याल आता है कि गूगल सर्च करते हैं, हमें अभी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम इन्हें पेस्ट करने लगे हैं। ये देखिए, अब हमने जितने भी लोगोस थे हमने कुछ फ्लोर के ऊपर, कुछ साइड की वॉल पे, और कुछ हमने फ्रंट वॉल के ऊपर उन्हें पेस्ट कर दिया। तो ये बस सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम अपनी मीडिया में या इंटरनेट पे या हम अपनी सोशलाइजेशन की जो वेबसाइट्स हैं इनके थ्रू हम सोशलाइज होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे तीन पोर्शन हमने इसमें कवर किए, जिसमें एक हमारा एकेडमिक्स का रिलेटेड था, दूसरा हमारा इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था और न्यूज़ से रिलेटेड था, तीसरा हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक और करेक्टर ऐड करेंगे यहाँ पे, जिसे हम कुछ इस तरह से इधर अटैच करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी पेपर को हार्ड चार्ट को फोल्ड करके एक रोल बनाना सिखाया था, तो उसे फॉलो करते हुए, उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने एक रोल बनाया, जिसे हम इस पोल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके ऊपर हमने इस टॉम को पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये करते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये दो बनाई हुई हैं चीज़ें इस तरह से, कुछ क्लाउड्स में और कुछ मैसेजेस में, मैसेज बॉक्स में इस तरह से हमने शो किया हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो हमारे टॉम की जो एक साइड है जो मैं बता रहा हूँ कि जो उसकी पॉजिटिव साइड्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली इस्तेमाल होती हैं इसमें, और कौन सी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो इन्हें पेस्ट करके हम फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब ये देखें, हमने सब करेक्टर सब टैगिंग ऐड कर दी है। तो ये अब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, ठीक है जी। आने वाला क्या है, आ रहा है, ऐसा ही है, ठीक है जी। तो जिसमें हमने तीन तरह के एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल किया है,
हमने बिजनेस का पोर्शन भी इसमें किया है, हमने एकेडमिक्स का पोर्शन भी किया और एंटरटेनमेंट का पोर्शन भी किया है। साथ साथ जो हमारा ये ऊपर वाला टॉम है ये हमें बता रहा है कि इम्पैक्ट्स ऑफ मीडिया क्या क्या हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, क्या क्या नेगेटिव होते हैं क्या क्या पॉजिटिव होते हैं वो इसमें हमने मेंशन किए हुए हैं कि जैसे कि आप लर्निंग कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, और नेगेटिव में क्या क्या है कि आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है कई दफ़ा जो गलत एडवर्टीजमेंट फॉल्स एडवर्टीजमेंट की वजह से होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें इलेबोरेट करने की कोशिश की है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हाँ जी मोहम्मद और कुमैल अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। हाँ सॉरी मोहम्मद और शाबीर। अच्छा जी आपने सॉन्ग सुना है, कोई सुनाए जल्दी जल्दी सुनाए ताकि हम अल्लाह हाफिज़ कहें। ये तो अभी सुनाया था। अच्छा, चलो फसोड़ी सुना दे। मोहम्मद को कौन सा आता है? चले अल्लाह हाफिज़।